नमस्ते सभी को। आरोग्य और अध्यात्म ये एक दूसरे से जुड़े हुए दो समांतर शब्द हैं जो कि आज कलयुगी मनुष्य भ्रमित होकर भूल गया है। इसी को लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अध्यात्म में सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मंत्र से ही कुछ संस्कृत की पंक्तियाँ हो या अलग अलग मंत्र हो शुरुआत होती है और उस मंत्र का उस शब्द का नाम है ओम। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र का शुरुआत भी सर्वश्रेष्ठ पावरफुल ताकतवर मंत्र ये इसे कहा जाता है। इसका भी शुरुआत ओम से होती है। ओम त्र्यंबकम गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यह महामृत्युंजय मंत्र की भी शुरुआत ओम से होती है। हर कुछ भी लोगे आप तो ओम से ही शुरुआत की जाती है। तो ये ओम है क्या, क्यों इसको इतना पवित्र माना जाता है, तो इसी का स्पष्टीकरण मैं आज देना चाहूँगा और आपकी आंखों के ऊपर से झूठ का पर्दा या भ्रम का पर्दा मैं हटाने की आज कोशिश करूँगा। ओम यह जो है यह आज हजारों और लाखों साल से नहीं आया है। जब से सृष्टि निर्माण हुई है करोड़ों अरबों साल पुराने जो वेद हैं उन वेदों में ये वेद किसने लिखे हैं, जो पूर्वज मनुष्य के जो पूर्वज थे ऋषि मुनि, तब जाकर कुछ संप्रदाय नहीं थे, जातियां नहीं थी, अलग अलग धर्म नहीं थे, तब जाकर सिर्फ एक ही था कि मनुष्य प्राणी, इतना ही एक धर्म बनाकर चलता था। और ये जो है ओम मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो या संस्कृत भाषा हो, ये पुरातन संस्कृति है भारत देश की। अलग टॉपिक में ना जाते हुए मैं मेरे मुद्दे पर आता हूँ कि ओम इस शब्द का, ओम इस मंत्र का अर्थ है क्या। ओम यह एक शब्द उच्चारण व्यायाम है जो कि अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वगमन करने के लिए इस ओम इस शब्द का उच्चार किया जाता है। लेकिन आज का भ्रमित मनुष्य इसको कहीं भी कभी भी ओम कहते हुए कुछ पाखंड का दुकान लगाते हुए कुछ भी करता दिखता है। ये ऊर्जा ऊर्ध्वगमन यानी ये जो मैंने शब्द अभी लिया है, शरीर की ऊर्जा आत्मा प्राण ये समांतर शब्द हैं। ऊर्जा यानी कि क्या, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने कहा है कि अगर हम भोजन करते हैं उसको अच्छी तरीके से पचाते हैं तो 35 डेज में जाकर जो सप्त धातुओं का निर्माण होता है शरीर में, जो कि शुक्र धातु कहा गया है सातवां धातु, यही ऊर्जा का दूसरा नाम है। ये जो ऊर्जा शरीर में बनती है, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ पचाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, उसको मैंने नाम दिया सप्त धातु नाम दिया है और सातवां धातु है शुक्र धातु। इसको ऊर्ध्वगमन करने के लिए, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए इस ओम इस शब्द का उच्चार किया जाता है। क्या आपको पता है ओम के जैसे ही और 6 मंत्र दिए गए हैं हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने। उस 6 मंत्र का नाम पता है हमें, नहीं पता है, सिर्फ ओम कहना है और चल देना है, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो वो 6 दूसरे जो मंत्र हैं वो है लम रम हम यम वम और ओम। यह 7 नाम हैं, शब्द उच्चारण मंत्र है ये। तो ओम ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है, ये 7 जो शब्द दिए हैं मैंने, 7 चक्र एक्टिव करने के लिए, 7 चक्र जागृत करने के लिए ये 7 मंत्र दिए गए हैं। लेकिन 7ों में से जो सहस्रार चक्र है जो कि हमारे माथे के ऊपर होता है उसको जागृत करने के लिए ये ओम नाम दिया गया है। और इसी ओम से बाकी के जो 6 चक्र है वो एक्टिव होते हैं, समझ रहे हो इसको। तो इसीलिए इस 7 मंत्रों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर शब्द माना गया है, मंत्र माना गया है, तो वो है ओम। अगर ओम सर्वश्रेष्ठ है तो लम रम वम ये कोई कहेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये ओम को इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये जो लम रम हम ये किस लिए है, जो सहस्रार के लिए अगर मैंने ओम कहा है तो बाकी के 7-6 चक्र है क्या, उनका नाम क्या है, तो मैं वही कहना चाहूँगा आपको। मूलाधार मूल बंध चक्र के लिए लम कहा गया है, फिर उसके ऊपर स्वाधिष्ठान है, उसको यम हम रम वम
और ओम ऐसे अलग अलग चक्र देते हुए वो कुंडलिनी जागरण यह नाम देकर ऋषि मुनि ने हमारे सामने रखा है। लेकिन आज का कलियुगी मनुष्य ओम को कुछ अलग तरीके से ही प्रोनाउंस करता है, उच्चारण करता है और भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ईश्वर वगैरह ये किसी को प्राप्त करने की ये बात नहीं है, ये सब और सब कुछ आरोग्य में ही समाया गया है जो कि मनुष्य हित में। पुरातन जो देवी देवता थे, मनुष्य जो थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने यह ज्ञान हमारे लिए बनाकर गए हैं वो, लेकिन हमें इसे अनुकरण कैसा करना है, इसे खाना कैसे है, ये हम भूल गए हैं। और एक मैंने बात बताई कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करना है। ऊर्जा कहाँ होती है? मूल बंध में होती है, मूलाधार में होती है, यानी कि हमारे जो शरीर का जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो सबसे निचला हिस्सा है यहाँ है मूलाधार चक्र है, इसको मूल बंध कहा गया है। ये कि यहाँ ये जो शक्ति होती है ये बांधी गई होती है, 3.5 लपटे लेकर ये बांधी गई। ये अभी बहुत विश्लेषण अलग हो जाएगा, तो एक ही समझ लो, हमारी जो ऊर्जा है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊर्ध्वगमन करने के लिए ओम इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, दूसरा है ही नहीं कुछ। अगर ऊर्जा ऊपर चढ़ानी है तो पहले ऊर्जा शरीर में बनाना होगा, ऊर्जा को शरीर में स्टोर करना होगा, तभी जाकर वो ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी और आपको सिद्धि प्राप्त होना या सर्वशक्तिमान होना। ये तो जो हम बचपन में देखते थे शक्तिमान सीरियल, श्री मुकेश जी खन्ना, इन्होंने बताया है, होता है जब आदमी को कहलाया वो शक्तिमान। उन्होंने भी दिखाया है कि 7 चक्र शरीर में होते हैं, ये चक्र होते नहीं हैं, सिर्फ ये संकल्पना है, लेकिन जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हर एक के शरीर में होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको ऊपर चढ़ाना है और फिर मनुष्य की जो प्रतिभाएँ हैं, जो शक्ति है, उसका सामना करना है या अनुभव लेना है। तो चलो आज का जो ओम को पहचानने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आज तो इंटरनेट की दुनिया है, आप देख सकते हो कि जो मैंने नॉलेज आपको दिया है, जो कहने की कोशिश की है, वही आपको मिलेगा। अगर यह वीडियो से आप कुछ सीखते हो, कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होता है, तो इसको कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत नमस्ते सभी को।